संस्थान टेक्निकल में आपका स्वागत है। मैं सुजीत कुमार चौहान जो पहुंचा हूँ आदित्यपुर पॉलिटेक्निक कॉलेज में, तो कॉलेज के कैंपस के बारे में मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो सबसे पहले मैं हॉस्टल में हूँ और आप देख रहे हैं कि हॉस्टल की कितनी अच्छी व्यवस्था है। यहाँ टीवी से लेकर चेयर तक काफ़ी खास है, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि आदित्यपुर कॉलेज का प्लेसमेंट खुद में खास होता है। लेकिन फिर भी हॉस्टल मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर आप देखना चाहते हैं कि यहाँ का हॉस्टल का कैंपस कैसा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं दिखाता हूँ आपको कि यहाँ का आदित्यपुर कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो यहाँ का हॉस्टल कैंपस कैसा है। चलिए, तो आप देख रहे हैं कि ये हॉल जहाँ से मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ, और ये कॉमन रूम है बच्चों की, जहाँ टीवी से लेकर चेयर तक लगा हुआ है बच्चों की व्यवस्था के लिए। और चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और अब रूम की स्ट्रक्चर्स की भी बात करते हैं। तो अब चलते हैं हम लोग कमरे की ओर और देखते हैं कि यहाँ की व्यवस्था, ये रूम नंबर 30। और आप देख रहे हैं कि यहाँ कुछ स्टूडेंट्स हैं पढ़ते हुए। तो चलिए भाई, आप लोग कौन से ईयर के हैं? सेकेंड ईयर। तो देख रहे हैं आप यहाँ सेकेंड ईयर के बच्चे हैं और काफ़ी अच्छा रूम की व्यवस्था है आप देख रहे हैं। तो भाई एक अच्छा इन्वायरमेंट है आपको यहाँ मिलेगा, एजुकेशनल इन्वायरमेंट, जिससे आप अच्छी तरह से पढ़ाई कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि इस कैंपस में आप देख रहे हैं गवर्नमेंट ने वाईफाई भी लगा रखा है, तो वाईफाई कैंपस है। और चूंकि एक प्राइवेट कॉलेज में जिस प्रकार से वाईफाई की व्यवस्था होती थी, उस तरह से आज आदित्यपुर कॉलेज में भी। और मैं चलिए दूसरे कमरे में, एक कमरा नंबर 23। और यहाँ आप देख रहे हैं कि कुछ स्टूडेंट्स हैं भाई। तो ये हॉस्टल्स आपको किसी प्राइवेट हॉस्टल से कम नहीं लगेगा, और ये गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक आदित्यपुर है। ये सोचना शायद आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल लगे कि भाई, और यहाँ देख रहे हैं स्टूडेंट्स कितनी ज़्यादा भाई। अब मैं कुछ स्टूडेंट से बात करना चाहूँगा, तो एक मिनट, आप कौन से ईयर के हो? 17-20। अच्छा, कौन सा ब्रांच है आपका? मेरा इलेक्ट्रिकल ब्रांच। इलेक्ट्रिकल ब्रांच आपका? मेरा भी इलेक्ट्रिकल ब्रांच। अच्छा, इलेक्ट्रिकल ब्रांच। तो चलिए, तो ये स्टूडेंट्स जो हैं आपके इलेक्ट्रिकल ब्रांच के हैं, और ये पहले जो आप प्लेसमेंट का वीडियो देखें तो उनसे जूनियर बच्चे हैं और काफ़ी अच्छी तैयारी में लगे हुए हैं। तो भाई चलिए, मैं इनको डिस्टर्ब ज़्यादा नहीं करता हूँ, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब मैं पहुँचा हूँ हॉस्टल के मेस पे। तो आप देख रहे हैं कि मेस की भी व्यवस्था काफ़ी अच्छी है। तो भाई ये मेस के स्टाफ हो गए, और ये देख रहे हैं खाने पीने के लिए आपका टेबल। तो एक बेहतर कॉलेज में जो कुछ भी चाहिए, हॉस्टल से लेकर मेस तक की सारी फैसिलिटी अच्छी मिलेगी आपको, और पढ़ाई का एक अच्छा इन्वायरमेंट है। सबसे बड़ी बात तो ये है आपके लिए। तो ये हॉस्टल का कैंपस आप जो देख रहे हैं, तो ये हॉस्टल का कैंपस है आपका आदित्यपुर पॉलिटेक्निक का। और मैंने बाहर अंदर का तो सारा दिखाई दिया, और ये देख रहे हैं आप बाहर से, तो काफ़ी बेहतर कैंपस है। और अभी नया कैंपस भी बनकर तैयार हुआ है गर्ल्स के लिए। तो चलिए भाई, अब हम लोग कुछ देर के बाद कॉलेज कैंपस को भी दिखा देंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, और आपको आइडिया हो गया होगा कि आदित्यपुर का कैंपस कैसा है।